नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनुआ रांझना डॉट कॉम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओ की, जो कि कल खुला है और 26 तारीख को बंद होने वाला है, जिसका नाम है सीएसबी बैंक। दोस्तों, आज हम उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे। हमें सब्सक्राइब में हमें अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में, नहीं करना चाहिए, या सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम सीधा आईपीओ के रिव्यू पर। तो ये मैंने साइट खोल ली है, अब हम इसमें चलते हैं। ये कल मतलब कि 22 तारीख को ये खुला है, ठीक है। अब इसमें जो कीमत है वो 193.95 रुपये की कीमत पर यह इशू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और कम से कम हमें 75 शेयर खरीदना पड़ेंगे, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा आईपीओ में। और अगर उससे ज़्यादा करना है तो 75 के मल्टीप्लाई में, यानी कि 75 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 225 हुआ, यानी कि 75 के मल्टीप्लाई में। आप ऐसा नहीं कि 75 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, या 200 कर सकते हैं। आपको 75 कीजिए या उसके मल्टीप्लाई में कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक बैंक कौन सा है, कहाँ का है। आईपीओ केरला बेस्ड सीएसबी बैंक है, ठीक है। ये केरला है, इसका देश जो है कि केरला बेस्ड बैंक है, और ये सबसे पुराना बैंक है देश का, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ देख ली कि एक तो केरला बेस्ड बैंक है ये, और दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे पुराना बैंक है देश का। 22 को खुला है और 26 को आईपीओ बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिस्टेड कब होगा। ये 4 तारीख को एनएससी की साइट पे लिस्टेड हो जाएगा। तो जैसा कि आपने मैंने बता दिया मैंने आपको, 4 तारीख को एनएससी की साइट पे ये लिस्टेड हो जाएगा, यानी कि 4 तारीख को हमें ये पता चल जाएगा कि हमें मिला है या नहीं मिला है। हालांकि ये तो बातें लिस्टिंग के पहले ही पता चल जाती है कि हमें सब्सक्रिप्शन में शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं, पर फिर भी 4 तारीख को नॉर्मल लोगों के बाय सेल के लिए खुल जाएगा। अब इसमें मैनेजर कौन है, यानी कि जो अंडरराइटर होते हैं वो कौन है। तो इसमें दो हैं, तो एक्सिस कैपिटल है और एक IIFL सिक्योरिटीज़ है। ये दो इसमें अंडरराइटिंग का काम करेंगे। अंडरराइटिंग तो वो होता है कि आईपीओ को लाना, मैनेज करना, उसका विज्ञापन करना, ठीक है, उनके फॉर्म प्रोसेस करना, फिर उनको शेयर अलॉट करना, ये सारा काम अंडरराइटर के अंडर में आता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आईपीओ कितने का आ रहा है और कैसे क्या होगा, कितने शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है दोस्तों। एक तो ये फ्रेश इशू ला रहे हैं, जो कि 24 करोड़ रुपए के आसपास का है, यानी कि पैसों में बात करें तो जो फ्रेश इशू शेयर आ रहे हैं, जो अब तक इशू नहीं हुए हैं किसी को, वो 24 करोड़ के हैं। तो 24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू आ रहा है, और एक ऑफर फॉर सेल आ रहा है जो कि है 1,97,78,298 शेयरों का, ठीक है दोस्तों। लगभग लगभग 2 करोड़ शेयर जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पहले वो प्रमोटर के पास थे या कंपनी के जो स्वामित्वता है उनके पास थे, अब ये रिटेल में लोगों के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देख ली कि एक तो फ्रेश इशू है, 24 करोड़ रुपये में जितने भी शेयर आएंगे उतने का, और 2 करोड़ शेयर वो बिक रहे हैं इसमें जो इक्विटी शेयर तो हो गए थे, लेकिन बाद में अब ये रिटेल के पास चले जाएंगे। अब कीमत, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि कीमत ऊपर नहीं बताया, माफ़ कीजिए दोस्तों, कीमत अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है, यानी कि जिस कीमत पे हमें शेयर मिलेगा, तो इसमें कम से कम जो कीमत रखी है इन्होंने 193 रुपये रखी है, और मैक्सिमम प्राइस जो रखी है इतने 195 रुपये रखी है, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर हमने ये बात तो डिस्कस कर ही ली, 75 के लॉट में मिलेगा ये। अब बैंक को पैसा कितने मिलने वाला है इसमें, तब यहाँ पर दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, 405 करोड़ देख रहे हैं और 409 करोड़ देख रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। यदि 193 रुपये पर यह शेयर अलॉट होता है आपको, तो कंपनी के पास कुल मिला के 405 करोड़ 72 लाख रुपये चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर 195 की कीमत पे ये शेयर आपको देती है कंपनी, तो 409 करोड़ और 68 लाख रुपये कंपनी के पास चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके, लोअर एंड। अब लोअर एंड मतलब क्या, ये 193, और नीचे लिखा है हायर एंड। हायर एंड यानी क्या, 195।
तो दोनों में से जो भी होगा, अगर लोअर बैंड 193 में आपको मिलता है तो कंपनी के पास इतना पैसा जमा होगा, और 195 में अगर मिलता है तो इतना पैसा जमा होगा। अब मार्केट की, अभी मार्केट ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इस बैंक का, कि अगर आज ये बैंक किसी को बिके तो इसका बाजार मूल्य क्या रहेगा, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, वो टोटल है इतना 3348 करोड़ से 3382 करोड़ के आसपास है। क्योंकि इतना ही वैल्यूएशन, जब भी आईपीओ आता है तो कंपनी को वैल्यूएशन करके दिखाना होता है कि हमारा मार्केट कैप क्या है, हमारा बुक वैल्यू क्या है, तो इनका मार्केट कैप अभी 3350 करोड़ के आसपास है। अब कंपनी में क्या मजबूती है ये देख लेते हैं। अब कंपनी की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो उसका चैनल नेटवर्क है, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में फैला हुआ है। और ये क्या क्या प्रोवाइड करता है सॉरी दोस्तों, तो ये जो है ये क्या करता है कि तो इसका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसका चैनल बहुत नेट स्ट्रॉन्ग है, और फिजिकल नेटवर्क के द्वारा जो इनने ब्रांच बना रखी है और जो एटीएम है उसमें भी इनकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। अब इनका जो कैपिटल बेस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिससे इनको ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब ब्रोकरेज जो है वो क्या बताते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। अब इनके पास जो इनके एसएमई बिजनेस है जिनको ये लोन देते हैं या जिनको लोन बांटते हैं, ये अच्छे लोगों को लोन देते हैं ताकि एनपीए कम से कम हो। अब ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। अब जो बीपी इक्विटास है वो रिकमेंड करता है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मिल रहा है 2.31% टाइम पे मिल रहा है, ठीक है, और पी है इसका 25 का। अब ये थोड़ा फंडामेंटल हो गया दोस्तों, कि रिटेल बंदा ये नहीं समझ पाता है, पर ये ठीक है। मतलब जो पी और ये बुक वैल्यू जो है ये ठीक है, या नहीं, बुक वैल्यू का इसका ही मतलब होता है दोस्तों कि इनके किताबों में जितनी संपत्ति है उसके 2.31 कीमत पर आपको मिल रहा है, यानी कि डबल से थोड़ा सा ऊपर। मैं जैसे 10 रुपये की इनकी बुक वैल्यू, 10 रुपये का इनके पास सामान रखा है और वो आपको करीबन 23 रुपये में मिल रहा है, इसको बुक वैल्यू मिलता है। और पी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है दोस्तों, ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। अब इंडिया निवेश ने भी इसको रिकमेंड किया है। ये एक ब्रोकरेज है वो एचकॉन ग्लोबल सर्विस, वो भी सब्सक्राइब का बोलते हैं। अब रिस्क क्या है ये बता देते हैं। अब जो रिस्क है वो लोग भी बोल रहे फ्यूचर में क्या करेगा। अभी हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर में क्या करेगा ये तो दोस्तों बैंक ही बता सकता है फ्यूचर में क्या करेगा। ये कंपनी वाले या जो ब्रोकर बाहर बैठे हैं इनको थोड़ी ना पता है कंपनी बाद में क्या करेगी, वो बैंक बाद में क्या करेगा। फिर भी इन्होंने उनकी कुछ कमजोरी बताई, कुछ रिस्क बताइए। सबसे पहले HDFC सिक्योरिटी ने बताया है कि उनको अगर उन्होंने NPA के लेवल को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया है तो उनको परेशानी आ जाएगी। और जो नया कानून आया है, नया कानून ये जो सरफासी एक्ट आया था, इसके हिसाब से बहुत सारे प्रोविज़न करना होते हैं, जो कुछ बैंकों ने करना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ को करना अभी बाकी है, तो उसमें देखना रहेगा। ओवरऑल दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो व्यू हमारा ये भी इस पर बुलिश है, यानी कि हम भी इसमें IPO में पैसा डाल रहे हैं। और यदि आप भी डालना चाहते हैं तो डालने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि वो आपको अच्छी सलाह दे दें। और दोस्तों कमेंट करके ही ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।